Welcome back to our channel RS Public School Parashur Gajipur. I'm going to teach you about biology and our topic is pollination and fertilization. Let us start pollination. Starting pollination, we know about unisexual and bisexual flowers. Unisexual and bisexual flower. Those types of flowers which contains only one reproductive organs. वैसे फ्लावर बच्चों जो सिर्फ एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें पाए जाते हैं, समझ रहे हैं आपको, एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं चाहे मेल या फिर फीमेल. अगर मेल पाया जा रहा है या कोई भी एक पाया जा रहा है तो इस प्रकार के फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं. Such types of flower which contain only one types of reproductive organs known as unisexual flower, whereas in those types of flower both reproductive organs, yani both reproductive organs ka matlab kya hua, stamen and pistil or carpel, stamen और कार्पेल दोनों के दोनों पाए जाते हैं. दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच इज कंटेनिंग विथ बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टामिन एंड कार्पेल आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर हो गया. ये यूनिसेक्सुअल सच एज पपाया, ये यूनिसेक्सुअल है. अगर कोई मेल वैसा पपाया का प्लांट जिस पर सिर्फ मेल फ्लावर हो रहे हैं और एक ऐसे भी पपाया के प्लांट होते हैं जिस पे फीमेल ही जो है कि फ्लावर लगते हैं, तो फीमेल फ्लावर वाले जो है फ्रूट प्रोसेस करते हैं जबकि मेल वाले नहीं करते हैं. तो हम उन्हें कहते हैं अपनी भाषा में कि ये तो बांझ है, यानी स्टेराइल है. नो, दैट इज मेल प्लांट्स. और मेल कहीं भी जो है कि फ्लावर नहीं, फ्रूट जो है कि कभी भी वो प्रोसेस नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास ओवरी नहीं है. तो आइए देखते हैं बाइसेक्सुअल में. सपोज दैट हिबिस्कस फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर एटसेट्रा, देर आर सो मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट पॉलिनेशन. आपको हमने बताया ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में. अब हम लोग जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स मतलब ये एंथर पर पाए जाते हैं. पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स हैं, मेल सेक्स सेल है. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल नॉन एज पोलिनेशन. कंफर्म है ये बात? तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथर ऑफ ए स्टामिन. क्लियर है? The transfer of pollen grains from anther of a stamen to stigma of a carpel is known as pollination. This pollination is two types. Pollination जो है दो प्रकार के होते हैं. एक self pollination, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन. एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन में ये सपोज द
अ ट्री, ये एक ट्री है और इसपे जो है कि ये कोई फ्लावर लगा, ये जो है फ्लावर, इस पर इधर भी एक कोई फ्लावर आ गया, तो इसके जो है कि एंथरपर के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर इसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टामिक पर के एंथर पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफर सेम फ्लावर, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर होता है या इसी पेड़ के, सेम ट्री इसी पेड़ के, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। कंफर्म हो रही बात? पॉलिनेशन टेक प्लेसेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पर अगर ट्रांसफर होता है तो इस प्रकार का पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में अगर ये हमारा ट्री है, इस पर भी अगर ये कोई हमारा फ्लावर बना हुआ है, इसका अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है इस फ्लावर की स्टिग्मा पर, या इसका जो है पोलन ग्रेन्स जो है इस फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर ऑफ स्टामिन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, ये जो है अनदर स्टिग्मा हो रही है और अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट का, दूसरे प्लांट के ये स्टिग्मा पर जाएगी पहुंच रहा है ऑफ सेम टाइप्स और सेम काइंड्स। अगर ये मैंगो का ट्री है तो ये भी मैंगो ट्री ही होना चाहिए, ये नहीं कि ये कोई दूसरा ट्री है और ये कोई दूसरा ट्री है, नहीं, यानी कि सेम काइंड्स ऑफ प्लांट के बीच में जो है कि ये पॉलिनेशन टेक प्लेस है। तो इस प्रकार का पॉलिनेशन जो दो पेड़ों के बीच हो रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? ये पॉलिनेशन जो है होता कैसे? सपोज दैट एन इंसेक्ट सिट ऑन द एंथर फॉर सकिंग नेक्टर, ड्यूरिंग दिस टाइम द पोलन ग्रेन्स स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ दैट इंसेक्ट एंड व्हेन दिस इंसेक्ट अगेन सिट ऑन दिस फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम काइंड, दूसरे पेड़ पर जो है कि जो सेम प्लांट है इस पे अगर बैठता है तो क्या होता है कि इसके बॉडी पे जो स्टिक हुआ है पोलन ग्रेन्स अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है तो पॉलिनेशन हो गया। इस प्रकार का पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें जो है एड्स भी होती हैं, या फिर अगर इसी का जो है कि पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के जो है कि स्टिग्मा पर आता है, या इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर आ जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब अगर इसी के स्टिग्मा पर आ जाता है तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन एज फर्टिलाइजेशन। कंफर्म? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए, वी नो दैट दिस इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर,
कार्पेल दिस इज स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ऑब्लिक। क्लियर, ये स्टिग्मा स्टाइल और ऑब्लिक ये कार्पेल के पार्ट है। अगर सपोज दैट यहां पे कोई जो है ये हमारा पोलन ग्रेन्स आ जाता है, पॉलिनेशन हो गया है, स्टिग्मा पर पहुंच गया है, तब क्या होता है कि ये जो है स्टिग्मा बर्स्ट होती है, फट जाती है, और फिर जो है कि इससे जो है कि जैसे ये फटती है पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब निकलने लगते हैं। यहां पर जो है हमारा ओवरी में जो है देयर आर सो मेनी एग्स, ये एग्स क्या है तो फीमेल सेक्स सेल हैं, ये यानी कि फीमेल गैमेट है, और ये जो है क्या है, ये जो है पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है। तो अब ये जो है कि धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब जो है ये ओवरी ऐसे है ये बढ़ते जाता है, ये धीरे धीरे जो है ये ग्रोथ करते जाता है, और फाइनली जो है ये इसमें जो है कि ओवरी के ओवरी में इंटर्ड हो जाता है, ये ओवरी में इंटर्ड होता है। प्रत्येक एक में जो है कि एक न्यूक्लियस होता है और इसमें भी एक न्यूक्लियस है। अब ये जो है ये जर्म सेल जो है कि धीरे धीरे जो है कि इसे डाउनवर्ड की तरफ आता है, और जैसे ही यहां पहुंचता है ये न्यूक्लियस यानी कि मेल का न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस से ये मिल जाता है, यानी कि ये फ्यूज्ड हो जाता है। यहां पर जो है कि मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस जो है कि आपस में ये फ्यूज ये आता है नीचे की तरफ और यहां आकर के इससे फ्यूज हो जाता है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। तब इस एग को हम क्या कहते हैं, ये एग जो है फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है, फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है, या फर्टिलाइज्ड एग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्लियर ना, फर्टिलाइज्ड एग यानी इस एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी कि ये एक फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा, यानी जाइगोट कहलाएगा, और फिर धीरे धीरे ये जाइगोट डेवलप होता है किस चीज में, तो जाइगोट जो है सीड में डेवलप हो जाता है, और ये ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ये जाइगोट सीड में। सपोज दैट अगर आप किसी फ्लावर को देखते हैं, सॉरी फ्रूट को देखते हैं, तो ये इस तरीके से अगर ये फ्रूट है, अगर हम पीछे पीछे से कट किए हुए हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना में आते हैं, यहाँ पर सीड्स हो जाते हैं, दिस इज एप्पल, ये सीड्स हो जाते हैं, तो ये सीड्स जो है क्या होते हैं, जाइगोट कहलाते हैं, और ये जो खाने वाला जो पार्ट है हमारा, दैट इज फ्रूट, फ्रूट यानी कि ये ओवरी कहलाती है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू सीड, और जितने भी बाकी पार्ट होते हैं जैसे कि सेपल, पेटल्स एंड रिसियम, रिसेप्टिकल्स, पेटिसल्स इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, दे ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, ये सूख जाते हैं और सूख करके गिर जाते हैं। सो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पौधों में, प्लांट्स में ये कैसे होता है। क्लियर, सो थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो, वी विल अगेन मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।